हेलो दोस्तों, लेट्स डू इट मेहंदी में आपका स्वागत है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और इन वीडियोस के अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और अगर आप मेहंदी में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो लेट्स डू इट आपके साथ है। हमारी वेबसाइट पर आपके लिए बहुत सारे कोर्सेज है जो आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे, जिसमें से कई कोर्सेज फ्री में भी अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कॉमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन के साथ। आज हम सीखेंगे 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कटवर्क डिजाइंस। पहले हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे, उसमें हमें फ्लावर वाला कटवर्क लेना है। नॉर्मल स्वर्ल बनाने के बाद हम स्केल अप का लाइन लेके फिर एक फ्लावर बनाएंगे। रैंडम ऑर्डर में फ्लावर्स बनाने हैं पूरे चेक्स में। कटवर्क में एम्प्टी स्पेस नहीं रखनी है। जहाँ पे एम्प्टी स्पेस है वहाँ पे हम स्वर्ल्स एंड लीव्स ऐड करेंगे। यहाँ पे पूरा करेंगे। रैंडम फ्लावर्स बना देने के बाद स्वर्ल्स को फिल कर लेंगे। अब फिलिंग स्टार्ट करेंगे। फिलिंग करते टाइम हमें पहले बॉर्डर्स बनानी है एंड देन फिल करना है। थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके पूरा फिल करेंगे। प्रेसिंग थोड़ा हाई रखना है फिलिंग के टाइम। सेकेंड टाइप ऑफ चेक्स बनाएंगे। ये चेक्स में हम लोटस का कटवर्क लेंगे। पहले ड्रॉप जैसा बना के फिर लीव्स लेने हैं। लीव्स बनाएंगे, लोटस रैंडम वे में लेने हैं। हम कोई भी पोजीशन में ले सकते हैं। देन जैसे हमने फर्स्ट में किया वैसे ही एम्प्टी स्पेस में स्वर्ल्स एंड लीव्स बना देने हैं एंड सर्कल्स भी। उसके बाद हम पूरा फिल करेंगे। नेक्स्ट है थर्ड टाइप। इसमें हम ट्यूलिप का कटवर्क लेंगे। पहले एक बेसिक स्वर्ल बनाएंगे। ट्यूलिप के लिए एक यू शेप लिया है। हमें दोनों साइड के एजेस को थोड़ा अंदर के तरफ टर्न करना है एंड देन सेंटर में ज्वाइन करना है लीव्स के शेप में। यहाँ पे हम रैंडम वे में बनाएंगे ट्यूलिप जैसे। कटवर्क में एम्प्टी स्पेस फिल किया है वैसे ही फिल करेंगे विद द हेल्प ऑफ डॉट्स एंड स्वर्ल्स। अब फिल कर देंगे। पूरा याद रखना है पहले बॉर्डर्स देनी है एंड देन ओनली फिल करना है, तो ही फिनिशिंग आएगा। अब फोर्थ चेक्स बनाएंगे। ये भी रोज वाला चेक्स है। बेसिक रोज ड्रॉ करेंगे। स्वर्ल बनाने के बाद हम नॉर्मल फ्लावर में पेटल्स लेते हैं, वैसे दो लेयर्स लेंगे। अल्टरनेट बना देंगे पूरे चेक्स में। एम्प्टी स्पेस बहुत ज्यादा नहीं रखना है। लीव्स भी ड्रॉ करेंगे। अब डार्क फिलिंग करेंगे एंड इट्स डन। नेक्स्ट जो है वो भी लोटस का है, कटवर्क है, बट इसमें हम फुल लोटस नहीं बना रहे हैं, सिर्फ सेंटर पोर्शन बना रहे हैं। रैंडम ऑर्डर में बनाएंगे। ये वाला डिजाइन एकदम सिंपल है। ये हम पाम पे भी यूज कर सकते हैं एंड कोई भी स्टार्टअप में शेप लेके उसके अंदर ये डिजाइन डाल सकते हैं। अब पूरा फिल करेंगे। सिक्स टाइप ऑफ चेक्स बनाएंगे। इसमें ओनली लीव्स कटवर्क लेंगे। पहले हम एक लाइन लेंगे एंड सेकेंड लाइन उसको टच करेंगे।
स्टार्ट में कर्व देना है लीव्स बनाते टाइम एंड अंदर जाते टाइम स्लाइट यू शेप लेना है, पूरा वैसे ही बनाएंगे। थोड़ा बड़ा ही बनाना है सो दैट फिलिंग आने पे वो एम्प्टी ना दिखे। थोड़ा कम पॉसिबल है तो भी बनाना है, एम्प्टी स्पेस नहीं छोड़नी है। फिर डार्क फिल कर देंगे एंड इट्स डन। थैंक यू।